आपके मटन की पीसेस अगर बहुत बड़ी हैं तो आप उसको इस तरह भी छोटे छोटे काट सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम अपने मटन को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी एक चम्मच दही डालेंगे और उसमें अदरक का पेस्ट, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पहले से मिला दिया था, 2 चम्मच, 3 चम्मच आपने दही डाल दी। फिर हमने थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला दी, हमने उसमें थोड़ा सा ये देखिए जीरा पाउडर मिला दिया, फिर हमने उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च मिला दी, फिर उसमें हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर मिला दिया, फिर हमने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला या मटन मसाला मिला दिया, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला दिया, फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। फिर हमने उसको क्या किया, हल्का सा चम्मच के स्पून से मैरिनेट किया। आप हाथ से भी मैरिनेट कर सकते हैं, पर चम्मच से मैरिनेट करने का एक फ़ायदा ये होगा कि वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा होगा, आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। ये चीज़ें हमने मैरिनेट कर दी, अच्छे से इसको मैरिनेट कर दिया आपने। मैरिनेट करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि आपका मटन सेट हो जाए। फिर इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको डालने हैं, जैसे हमने कुकर में थोड़ा सा तेल ले लिया और स्वाद बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून घी भी डाल दिया ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मटन का टेस्ट, और आपका मटन बहुत यम्मी लगे। हम इसको अच्छे से चला लिया आपने। इसको तब तक भूनना है जब तक आपकी प्याज हल्की सी ब्राउन कलर की ना हो जाए। फिर इसमें आप टमाटर मिला देते हैं और टमाटर को भी अच्छे से चला देते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं, टमाटर और प्याज को। टमाटर भी जब तक पक ना जाए तब तक आप इसको भूनेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हमने थोड़ा सा मसाला पीस लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, डाल दिया। इसमें हमने थोड़ा सा चिकन मसाला, मटन मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं और अभी अपने मैं मसाले को भून रही हूँ। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब हम फ्रिज से अपना मटन निकाल के ले आएंगे और अपने मसाले में उसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारे मटन में कितना अच्छा कलर आ गया। अब अपने मटन को हम खूब अच्छे से भूनने देंगे ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आए। देख रहे हैं, अपने मटन को खोल के भूनेंगे, कुकर का ढक्कन खुला है और अपने मटन को भून रहे हैं। देखिए आपका मटन जब धीरे धीरे पकता है तो वो अपने आप ही पानी छोड़ता है, तो इसलिए आपको अपने मटन में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ग्रेवी वाला खाने का मन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप पानी डाल सकते हैं, पर बिना पानी डाले जो मटन बनता है बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। देखिए आपका मटन बनके तैयार हो गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल सकते हैं। धनिया पत्ती डालने से ये होगा कि स्वाद बढ़ जाएगा आपके मटन का।